मारा, अभी तो तूने बोला कि तुझे पापड़ नहीं बनाने, तो क्यों कर रही है ये सब कुछ? छोड़ दे इसे। धरादी आप रहने दो, मैं कर देती हूँ, आज ही कर दूंगी। कोई जरूरत नहीं है, सलामत है मेरे हाथ में, खुद कर लूंगी। तू जाकर अपने लिए एक अच्छी सी नौकरी ढूंढ। वैसे भी मेरी वजह से तुझे बहुत दुख सहना पड़ रहा है ना इस घर में, तो तू जा यहाँ से। अभी कुछ मत बोल, किसी का गुस्सा किसी और पे निकल जाएगा। बात गुस्से की नहीं है रिशिता, बात टेंशन की है। चीकू को अगर सच में कुछ हो गया तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे, कहीं उसे सच में बुखार ना हो। ये डर तो मुझे भी है। जरा रुक, लीजिए ये स्नैक साबुन। हाँ एक मिनट। हेलो। हाँ शिवा, साबुन। ए कान का जूरे, साबुन मांग रहा, निकाल के देना। मेरे पास टाइम नहीं है, खुद आके ले ले। नहीं दूंगा मतलब? तेरे पीछे साबुन पड़ा है ना, उठा और देव को दे। मांग रहा है ना तेरे से? छुट्टा तो नहीं है। विश, पास से जाके 500 का छुट्टा ले गया। मैं क्यों चेंज कराने जाऊं? तुम लोग अपना काम खुद क्यों नहीं करते? जितने तुम इस दुकान के मालिक हो उतना मालिक मैं भी हूं। तो फिर सारी भागा दौड़ी मैं क्यों करूं? अब खेल लीजिए भाई, बाद में एडजस्ट कर लेंगे। जय सोमनाथ। खाते में डाल। ए मालिक इधर। क्या घमंड लेके घूम रहा तू? हाँ एक कान के नीचे बजाऊंगा ना, घमंड की चिड़िया ना तेरे कान से उड़ के बाहर निकलेगी, समझा? एक बात पे काट बांध ले, इस दुकान के मालिक सिर्फ धारा भाभी और कॉम्पी है। सच बोला ना, इसलिए शौक लगा। शौक तो लगेगा ना शिवा, तूने बात ऐसी की है। मालिक बोल बोल के धरा भाभी गोम्बी की हालत नौकरों से बदतर कर दिया तुम लोगों ने। अरे हम लोगों को शर्म आनी चाहिए कि धरा भाभी को अपने परिवार और अपनी ममता के बीच किसी एक को चुनना पड़ रहा है। तुम दोनों को नहीं लगता कि तुम दोनों शादी के बाद कुछ ज्यादा ही स्वार्थी हो गए? क्रिश, जबान संभाल के बात कर। अगर हम दोनों स्वार्थी होते ना तो परिवार के बारे में नहीं सोच रहे होते। ये सही बात की तूने देव, ये बिल्कुल सही बात की कि तू परिवार के बारे में सोच रहा है, लेकिन अपने परिवार के बारे में? जिसमें सिर्फ रिशिता भाभी और छुटकी आते हैं। रिशिता भाभी की तू सुनता है और छुटकी के बारे में सोचता है, और किसी चीज से तुझे मतलब नहीं है, और तेरे को देख देख के ना ये सेम करने लग गया है। तुम दोनों सिर्फ अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं, तो परिवार के बारे में सोचेगा कौन? धरा भाभी है ना? सच कहो ना, तुम दोनों को धरा भाभी का दुख दिखता ही नहीं दिखता, क्योंकि सोमनाथ ने हमारे हिस्से की आंखें भी तेरे को दे दी है, और जुबान भी जो कि कुछ ज्यादा ही लंबी होती जा रही थी उसको मैं काटने वाला। क्यों ना चलाओ जुबान? तुम्हारी तरह मेरी कोई बीवी नहीं है जो मुझे सच बोलने से रोक सके। तुम लोगों ने कभी एक बात क्यों नहीं सोची? जब धरा भाभी इस घर में शादी करके आई थी, अगर वो भी अपने खुशियों के बारे में सोचती, अपने बारे में सोचती, तो चीकू की जगह आज हम सड़क पे होते। तो जैसे 10 साल पहले उन्होंने हमारे लिए दरिया दिली दिखाई, तुम लोग क्यों नहीं दिखा पा रहे? क्यों तुम लोगों से कहा नहीं गया कि श्वेता के आने के बाद भी इस घर में कुछ नहीं बदलेगा? थारा चल गई, दिखा पैर, दिखा पैर, दिखा। तुझे लगी तो नहीं दिखा?
संभल रहा है मुझसे माँ, नहीं हो रहा है मुझसे कुछ काम भी। दुकान में सिर्फ 7 दिन का स्टॉक पड़ा है और मुझसे कुछ नहीं हो रहा है। ये कुछ करेगी नहीं, कैसे होगा सब? धरा दुकान में स्टॉक नहीं है ठीक है, पर तू रो क्यों रही है? क्योंकि मेरा दिमाग खराब हो गया है माँ। सड़क में बच्चे को देखकर मेरा दिल दुख जाता है, मेरा चीकू के हालत में। क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तरह तो कुछ मत कर, ऊपर वाला देख रहे ना, तेरी साफ नीयत और श्वेता का काला दिल भी। पता नहीं ऊपर वाला क्या देख रहा है और क्या नहीं, गम भी कुछ नहीं देख रहा है ऊपर वाला, कुछ भी नहीं। अगर हमसे पैसे चाहिए थे तो अंदर आके मांग लेती ना, इतना सारा तमाशा करने की क्या जरूरत थी? मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें इतने पैसे दे क्यों रही हूं, क्योंकि ये जो चीकू की हालत है ना, ये सब तुम्हारी वजह से है श्वेता। पहले तो शिवा ने दी हुई दवाई को सड़क पे फेंक दिया और फिर अभी उसी के लिए पैसे मांगने आई हो। सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज नहीं है तुम। आपके आगे तो हाथ नहीं फैलाया ना मैंने, मुझे आपकी भीख की जरूरत नहीं, जाओ यहाँ से। अरे ले लेना, इसी के लिए तो ये सब किया था। मैडम वो पैसे आप मुझे दे दीजिए, इसका तो दिमाग फिर गया है। अपने बच्चे का इसको भला बुरा भी पता नहीं चल रहा है, मैं इलाज कराऊंगी चीकू का, आप दीजिए पैसे मुझे। खुद गर्ज औरत हो तुम, ये ले चलो। नाटक खत्म होते होते कुछ पेमेंट तो मिल गया? अभी नाटक खत्म नहीं हुआ काकी, अभी तो शुरू होगा, देखते देखते जाओ क्या क्या होता है। तो तू ही देख नाटक, मैं तो थक गई। तुझे अभी भी लगता है कि धरा अभी भी आएगी? क्यों नहीं कहा शिवा, बोलना दे, तू तो समझदार है ना, फिर तूने क्यों नहीं बोला? तुम दोनों की ना ये हालत देखकर मुझे लग रहा कि अच्छा हुआ मेरे साथ कि मेरी घरवाली घर छोड़ के चली गई। और बाहर जाके तो झंडे गाड़ रही है ना, अलग कांड कर रही है। तो करने देना उसको कांड, मुझे तो खुद पे भरोसा है ना शिवा। तो फिर वो घर के बाहर कांड करे या घर के अंदर, क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो मेरे रिश्तों पे भरोसा है, मुझे मेरे परिवार पे भरोसा है, जो कभी नहीं उठेगा। मैं श्वेता को 5,000 रुपए देकर आ गई है? चीकू के इलाज के लिए, अब उसे वापस यहाँ पे नहीं आना पड़ेगा हमारे दरवाजे पे। धरा दी आए ना आए, लेकिन अंदर फिल्मी कहानी तो शुरू हो गई है। आग तो मैंने लगा दी है, और कोई बात नहीं, अगर धरा दी गोम्बी भैया को अंदर ले भी जा चुकी है तो बाकी के लोग तो है ना, और देखा ना कैसे रिशिता पैसे देकर गई। जब ये बात रावी को पता चलेगी तो अंदर से तमतमा उठेगी, वो कहेगी कि देखो रिशिता महान बनने का नाटक कर रही है, और अपनी धरा दी। जब उनको पता चलेगा तो उनको और गुस्सा आएगा, वो कहेंगी कि मुझे तो तुम सब लोगों ने मना कर दिया पैसे देने से, और अब खुद दे आई। दरार तो आ गई है इस घर में, बस अब टुकड़े करने की देर है। चले चलो। किसने कहा तुझे पैसे देने के लिए?
अभी तू ही कह रही थी ना सबके सामने कि भाभी नाटक कर रही है, इसके झांसे में बताना, फिर उसकी नौटंकी पर 5,000 रुपए लुटाई है। भाभी वो अपने चीकू के अपने घर में रहते है रिशिता, सड़क पर भिखारी रहते और भीख में कौन 5,000 रुपए देता है। अब ये बात कहना कि ये 5,000 रुपए के 4 हिस्से करेगी और कहेगी कि चीकू की मदद सबने बराबरी की है। ये 5,000 रुपए ना तेरी महान बनने की कीमत है, तू ही चुकाना। 1,000 बार समझाती रहती हूँ कि फिजूल खर्ची मत कर, फिजूल खर्ची मत कर, पर नहीं तेरा हाथ का खर्चा रुकते ही नहीं है। पांच हजार